हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा मैं आपसे ये जापान के गेम सेंटर की वीडियो शेयर करती हूँ। और ये एंट्रेंस पे सैनिटाइज़र रखा होता है। जापान में ज़्यादातर हर शॉप में जो है ना अभी कोरोना के दौरान में सैनिटाइज़र रखा हुआ होता है और टेम्परेचर चेक करने के भी उसमें मशीन लगाई भी होती है उन्होंने। और ये गेम मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल जो है ना रियल गेम की तरह जो हॉर्स रेसिंग होती है बिल्कुल उनकी तरह उन्होंने बनाया हुआ है। मैंने तो शायद ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा है जापान के इनके गेम सेंटर्स में, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक इंटरेस्टिंग सा गेम लग रहा था, क्यूट भी लग रहे थे, छोटे छोटे हॉर्स भागते हुए और नीचे उनके टायर्स भी लगे हुए थे। और इसमें पता नहीं एक बिट मार सकते हैं या एक बंदा दो तीन हॉर्स भी सेलेक्ट कर सकता है, तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो जो एक अंकल सामने बल्कि स्विंग के नज़र भी आ रहे होंगे, वो बड़े से एहतमाम से बैठ के खेल रहे थे, बड़ा क्यूट सा लग रहा था। तो वैसे तो ज़्यादातर ये जो गेम सेंटर्स होते हैं इसमें ओल्ड एज जो है ना ये लोग भी बहुत आई हुई होती हैं, जो ये लोग फ्रेंड्स बल्कि समझे इनकी किटी पार्टी ही हो रही होती है, तो ये लोग भी आई भी होती हैं, जो क्या कहेंगे एजेड जो आंटियाँ जो हैं वो लोग सारी आई हुई होती हैं, ग्रुप बना के ऐसे शॉपिंग करने निकली हैं, खेल के फिर जो ना वो अपने घर जाती हैं। राइट्स होते हैं, उनके पास पैसे भी पड़े हुए होते हैं। और जापान में ज़्यादातर यही होता है कि ये लोग अपने या तो ओकेजन आता है अपने उनको भी बांटते रहते हैं पैसे, अपने पोते पोतियों को और उनको नवासा नवासियों को इस तरह दे देते हैं, और ओकेजन में भी पैसे देते हैं और जैसे चीज़ें भी दिला देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह। आई थिंक ये जैसे गेम सेंटर में भी कुछ मिलता होगा तो ये उनको दे देते होंगे प्रेजेंट। देखें वो आंटियाँ बैठी हुई हैं ना दोनों, ये दोनों एक साथ बैठी हुई हैं, तो फ्रेंड ये भी दूसरी भी बैठी हुई हैं, ज़्यादातर वही लोग बैठी हुई होती हैं। और इसमें बस ये होता है इनका टाइम पास होता है, और जो है ना इनके कॉइन्स मिलते हैं जिसको कॉइन्स को ये लोग जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन कॉइन्स को दोबारा कभी आना होता है तो वो खेल लेते हैं, और कभी ख़त्म हो जाता तो प्रेजेंट और पैसे वैसे मिलने वाला वो चीज़ नहीं है इसमें। बल्कि ये मेरे बच्चे भी इसमें आए हुए थे ग्रुप गेम्स खेलने, मैं उन्हीं को पिक करने आई हुई थी, तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने फिर देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब इस जगह में बहुत सारे गेम्स थे, बहुत सारे इन्होंने एक ही जगह में बनाए हुए थे, तो बहुत ऐसा देखने में ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा सा गेम सेंटर लग रहा था। तो ये जो है छुट्टियाँ चल रही थी तो वो बच्चे जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ ये लोग बकायदा बल्कि खुद ही से आ गए थे, आई थिंक उनके फादर ने छोड़ा था शायद, या बस के थ्रू बच्चे लोग, तो ये लोग खुद ही आए थे। तो वापसी में मैंने कहा मैं पिक करने आऊँगी इन लोगों को, तो मैं पिक करने आई थी, तो वो जो कॉइन्स थे तो इन्होंने कहा कि हम उनको ख़त्म कर लें, तो इसलिए खेल रहे थे, तो मुझे थोड़ा देर भी हो रही थी। फिर बड़े बेटे ने भी उनको बोला, आपस में उन्होंने डिसाइड करने लगे, कहने लगे कि चलो वहाँ पर ना बैंक में जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है कि अभी देखिए स्मोकिंग एरिया ये बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है, इधर यहाँ पे स्मोकिंग एरिया ज़्यादातर इसी तरह के होंगे। और बाकी मैं फिर अभी बैंक का बताती हूँ, स्मोकिंग एरिया की वीडियो पे किसी और दिन डिस्कस पर बना के आप दिखाऊंगी, शेयर करूँगी इसकी भी वीडियो। तो ये जो है ना ये एक मेडल बैंक होता है, तो वो जो मैं कॉइन्स कह रही थी उसको मेडल बोलते हैं। तो मेडल जो सेव करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी होता है, थोड़ा सा उसमें आपको आपके हैंड इंप्रेशन जो होते हैं वो रजिस्टर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखें टिश्यू निकल रहा है जो कि आपके हैंड को साफ़ करने के लिए होता है, मेडल सेव करने तो आप उसका हाथ साफ़ करके आप अपने हैंड इंप्रेशन उसको सेव कर सकते हैं। और इसके साथ ये देखिए मशीन लगी हुई जिसमें से ये मेडल निकलते हैं, आपको जितने चाहे आप मेडल निकाल सकते हैं जो प्राइस के हिसाब से होता है, तो वो उन्होंने साथ लगाए हुए। तो इसलिए जो है ना फिर वो ये होता है कि लोग जो है ना मेडल अपने सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर उनको पैसे दोबारा से निकालना पड़ेगा मेडल। और लेकिन मेडल जो सेव करने का आई थिंक टाइम होता है ये एक महीने से दो महीने के अंदर अंदर होता है, फिर उसके बाद वो आपके मेडल ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने जब तक निकाल के उसको रीयूज़ नहीं किया। तो इसलिए जो है ना वो दोबारा आके अपना यूज़ कर लेते होंगे दोबारा ये, जो इसलिए सेव करके चले जाते हैं मेडल, और जब ये आते हैं तो फिर इसको निकाल के खेल लेते हैं, अगर उनके दोबारा बच जाते हैं तो फिर वो सेव कर लेते हैं, अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आई थिंक फिर नेक्स्ट टाइम वो नए सिरे से स्टार्ट करते होंगे। क्योंकि जापान में ये गेम्स खेलने का उनको बहुत शौक है, इवन कि ये लोग जो ये करेक्टर्स वाले होते हैं और इनको ये भी संभाल के रखते हैं, इनको चाहिए बड़े बड़े होंगे इनको भी शौक होगा, ये लोग भी ये लड़कियाँ भी कलेक्ट करती हैं ये संभाल के रखती हैं। और अभी ये जो मशीन थी इसमें से वो मेरे बेटे के प्रेजेंट निकला था, छोटे वाले बेटे ने फर्स्ट टाइम पे जब ये शुरू में अपने दोस्तों के साथ थे तो उस टाइम पे खेला होगा, तो फर्स्ट टाइम पे उनको ये गेम निकल गया। और ये देखिए लॉकर्स है जिसने अपना सामान रखना हो, और लॉकर बने हुए उनके लिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ड्रिंक्स की मशीन लगी, आइसक्रीम की मशीन भी यहाँ लगी हुई है ताकि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े गेम के दौरान में कोई डिस्टर्ब ही ना हो, क्योंकि अगर बाहर निकल गया तो फिर हो सकता है उसका मूड चेंज हो जाए वापस अंदर ही ना आए। तो ये अच्छा एक टैक्टिक है कस्टमर को घेरने का।
तो बाकी ये जो गेम्स है, क्रेन गेम्स और ये यूफो वगैरह, इनमें 100 का कॉइन चलता है। तो जो 100 का कॉइन को चेंज कराने के लिए अगर आपके पास नहीं होती, मशीन भी लगी हुई है जिसमें से आप पैसे भी चेंज करा सकते हैं। 1000 के नोट को देके आप 100 के इनके कॉइन्स ले सकते हैं। और जो बाकी अगर आपके पास 1000 का नोट नहीं है तो ये 10000, ये वाली मशीन में 10000 का नोट भी डाल सकता है। तो 10000 का नोट डाल के आप 1000 का नोट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो दूसरी मशीन होती है जिसमें से 1000 का नोट जाता है, तो उसको डाल के आप ये 100 के कॉइन्स ले सकते हैं। फिर आप ये गेम खेल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।